Hello, students. Good morning, everyone. Students, today in this video, I am going to summarize chapter 6 Rural Livelihood. So, students, this chapter already you have learnt in your previous classes, but now let us recall all the topics what we have learnt in our previous classes in this chapter. So, students, you know, firstly, do you know which are the rural areas and what do you mean by livelihood? so students the rural areas the rural life refers to the life of village people okay the people who live in villages they are they are having the rural life okay and the, the villages are the example of rural areas while the urban life urban life urban life it refers to the city and टाउंस ठीक है द पीपल हु आर लिविंग इन द सिटी इन टाउंस एंड द एरियाज ऑफ सिटी इन टाउंस ठीक है वो क्या होता है वो अर्बन एरियाज होते हैं और विलेजेस होते हैं एग्जाम्पल ऑफ रूरल एरियाज ओके नेक्स्ट इज वट डू मीन माई लिवले सो स्टूडेंट्स एनी वर्क दैट इज डन टू अर्न मनी ठीक है एनी वर्क डन टू अर्न मनी इज़ नोन एज अ मीन्स ऑफ लिवलीहुड ठीक है जब एक पर्सन कोई भी काम करता है वो उस काम के थ्रू उसको पैसे मिलते हैं ठीक है तो दैट वर्क इज नोन एज द मीन्स मींस ऑफ लिवीहुड क्योंकि आपको पता है हमारी डे टू डे दे लाइफ को सर्वाइव करने के लिए वी रिक्वायर्ड मनी टू टू बाई टू पोचे एनी थिंग किसी भी चीज़ को खरीदना है आपको तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ठीक है सो फुलफिल आर डेली रिक्वायरमेंट we need a means of livelihood through which we earn money and you know the livelihood is depend uh, it depend on where the people live ठीक है livelihood जो होती है वो depend करती है इस पर people कहाँ रहते हैं ठीक है आप शहर में रहने वाला पर्सन ऑब्वियसली किसी इंडस्ट्री में वर्क करेगा इंडस्ट्रियल worker होगा टेक्नोलॉजिकल वर्क करेगा इंस्टीट्यूशनल वर्क करेगा ठीक है uh, it sector सेक्टर से रिलेट रहा होगा गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क करेगा ठीक है बट द पर्सन लिविंग इन द रूरल एरियाज अब रूरल एरियाज में ना ही इंडस्ट्रीज होती हैं ना ही कोई इंस्टीट्यूशन होते हैं ठीक है तो इट डिपेंड ऑन द एरिया वेयर द पीपल लिव सेकेंड द वट काइंड ऑफ एजुकेशन दे रिसीव अ पर्सन परसन वट काइंड ऑफ एजुकेशन दैट वन हैज ठीक है किस तरीके का उसका एजुकेशन लिटरेसी लेवल है ल, आ, किस तरीके से वो एजुकेट है ठीक है एंड अनदर थिंग इज वट टाइप ऑफ स्किल दे डेवलप अब उसके अंदर किस टाइप की स्किल है अगर पर्सन आई टी से रिलेट कर रहा है ठीक है आई टी से रिलेट कर रहा है उसका टेक्नोलॉजिकल नॉलेज स्किल ज़्यादा है दूसरा कोई जिसका मैकेनिकल नॉलेज ज़्यादा है तो उस टाइप से उसका वर्क भी सेपरेट होता है ठीक है सो दीज आर द थिंग्स विच डिसाइड द लिवलीहुड ऑफ द पीपल बट नाउ इन दिस चैप्टर वी एल लर्न अबाउट द रूरल लिवलीहुड अ पर्सन हु इज़ लिविंग इन द रूरल एरियाज वॉट टाइप ऑफ दे प्रेफर सो पर्सन वन इज द क्रॉप कल्टीवेशन क्रॉप कल्टीवेशन इट्स इन कॉमन इट्स एन इम्पॉर्टेंट एंड अ कॉमन एक्टिविटी द पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज़ and the village people mostly dependent on the agriculture for their livelihood. this means they work in the fields and uh, they grow various types of crops. and sometimes they grow the crops in the large quantities. they save that crops for their uh, self use, self consumption. but the remain crop they used to sell in the market. बची हुई कॉप को वो मार्केट में सेल कर देते हैं. तो उस मार्केट सेलिंग से उनको जो बेनिफिट होता है, जो वो अर्निंग करते हैं, that is that gain the money. उससे उनको पैसे मिलते हैं तो उनका मेन लेवलीवुड क्या होगा टॉप कल्टीवेशन ओके एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडीज टू द फार्मर्स सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी अब पहले आप ये जानो सब्सिडीज होती है ओके सब्सिडीज क्या होती हैं सब्सिडी दीज आर दब्सिडी ठीक है सब्सिडीज जो होती हैं इट मीन्स द हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो हेल्प प्रोवाइड कराती है किसको फार्मर्स को गवर्नमेंट जो डिस्काउंट प्रोवाइड कराती है किस पर ऑन इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पर भी फार्मर्स को गवर्नमेंट जो होती है वो डिस्काउंट देती है मतलब इलेक्ट्रिसिटी रेट जो होता है उस पर वाटर मीनस इरीगेशन जो होता है उसके लिए फर्टिलाइजर्स फर्टी Ferti, uh, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको खरीदने में गवर्नमेंट जो होती है वो सब्सिडीज प्रोवाइड कराती है इंसेक्टिसाइड्स पर प्रोवाइड कराती है मीन्स दीज ऑल थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू द फार्मर ऑन चीप रेट्स एंड ऑल्सो इंटरेस्ट इज गिवन टू द फार्मर्स बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोअर रेट्स ठीक है अब जो आप लोन देखते हो फार्मर्स को मिलता है वो बहुत काफ़ी लो रेट्स पर होता है चीपर इंटरेस्ट पर होता है ठीक है सो दीज आर नोन एज द सब्सिडीज मीन्स द हेल्प प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द फार्मर्स इज़ नोन एज द

स्मॉल फार्मर्स अब ये आप डिफरेंस आप पढ़ लो आपको समझ में आ जाएगा बिग फार्म बिग फार्मर्स क्या होते हैं द फार्मर्स हु हैव लार्ज प्लॉट्स ठीक है बड़े किसान हैं तो उनके पास क्या होंगे लार्ज प्लॉट्स uh, होंगे बट द स्मॉल फार्मर्स हैं तो क्या होंगे उनके पास स्मॉल प्लॉट्स होंगे ओके नेक्स्ट इज द फार्मर द बिग फार्मर दे हायर लेबर्स वो क्या करते हैं लेबर्स को हायर करते हैं अपने फील्ड्स में वर्क करने के बट द स्मॉल फार्मर्स दे देम सेल्व वर्क ऑन द फील्ड स्मॉल फार्मर्स क्या होते हैं वो खुद काम करते हैं खेतों में बट जो बिग फार्मर्स होते हैं वो खेतों में अपने लेबर्स हायर करते हैं ओके नेक्स्ट इज बिग फार्मर्स दे यूटिलाइज गुड क्वालिटी सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड एंड मशीनरीज बट द स्मॉल फार्मर्स दे डू नॉट यूज़ द बिग सी दिग मशीनरीज गुड क्वालिटेटिव सीड्स एंड पेस्टिस इंसेक्टीसाइड सारी चीज़ें इनकी लो क्वालिटेटिव होती हैं बिग फार्मर्स है एडिशनल सोर्स ऑफ लेवलीड बिग फार्मर्स के पास क्या होते हैं एडिशनल सोर्स भी होते हैं ठीक है बिग फार्मर्स के क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है वो कोई भी मिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं कोई भी इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं ठीक है कोई इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं तो बिग फार्मर्स के साथ बहुत सारे सोर्सेज होते हैं इनकम के एक्सेप्ट फ्रॉम द फार्मिंग बट जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनका जो मेन मीन्स ऑफ लिवलीहुड होता है वो क्या होता है ओनली फार्मिंग होता है उसी पर डिपेंडेंट होता है ठीक है सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया बिग फार्मर्स एंड द स्मॉल फार्मर्स नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर लेबर्स एंड यू नो इन इंडिया ओनली ट्वेंटी परसेंट ओनली ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ द फार्मर्स ट्वेंटी परसेंट फार्मर्स जो है वो बिग की कैटेगरीज में आते हैं बाकी रिमेनिंग जो स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स में आते हैं फोर्टी परसेंट जो है वो स्मॉल फार्मर्स हैं बाकी बचा हुआ जो फोर्टी परसेंट है दैट इज़ द लैंडलेस लेबर्स मीन्स वो दूसरों के यहाँ एग्रीकल्चरल लेबर एज अ वर्कर थे एग्रीकल्चरल लेबर्स मीन्स अपार्ट फ्रॉम द लैंड ओनिंग फार्मर्स रेस्ट ऑफ ऑल द एग्रीकल्चरल लेबर्स मीन्स दो डू नॉट हैव लैंड हु हैव सम्माल प्लाट्स ऑफ लैंड ओके एंड दे वर्क ऑन द अनदर प्लाट्स दूसरे प्लॉट्स पर वर्क करते हैं इनको मेनली दे आर यूजली पुअर लेबर्स ठीक है एग्रीकल्चर पुअर लेबर्स होते हैं you know sometimes in the agriculture there is a lean period there is a seasonal unemployment means within some some months of the year some months of the year they do not have any type of work except uh, except the working of tilling planting planting uh, after weeding harvesting the farmers have lean period उस टाइम में उनके पास काम नहीं होता तो इन दैट सिचुएशन द फार्मर्स हैव टू माइग्रेट फ्रॉम द टू द सिटीज एंड टाउन्स इन सर्च ऑफ गुड जॉब्स एंड अ गुड लिवलीहुड ओके तो जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो गाँव से शहरों में आते हैं अच्छी लिवलीहुड के लिए अदर मीन्स ऑफ ऑक्युपेश फार्मर्स के पास फार्मर्स के कुछ अदर मीन्स भी होते हैं ऑक्यूपेश के लाइक फिशिंग फ़िशिंग इज़ मेनली एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द कोस्टल एरियाज़ कहाँ पर होती है कोस्टल एरियाज़ में होती है कोस्टल एरियाज़ मतलब द एरियाज नीयर टू द रिवर्स एंड सीज एंड ओशंस ठीक है सीज और ओशंस क्या है जैसे कि उड़ीसा है आंध्र प्रदेश है गुजरात है महाराष्ट्र है इन दीज रीजन्स पीपल्स मेन एक्टिविटी इज़ द फिशिंग फ़िशिंग में भी जो फ़िशरमैन होते हैं दे ऑल्सो आर रिच एंड स्मॉल फिशरमैन्स मतलब बिग फिशरमैन्स होते हैं और स्मॉल फिशरमैन्स होते हैं नाउड इज प्रस ब्रीडिंग ऑफ प्रॉन्स ठीक है प्रॉन्स ब्रीडिंग एक एडिशनल सोर्स ऑफ लिवलीहुड है जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के फार्मर्स ने शुरू किया ठीक uh, 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 है एंड बिग फिशरमैन दे हैव गुड नेट गुड इंजन मशीन्स इंजन शिप्स होती हैं बट जो स्मॉल होते हैं स्मॉल फिशरमैन्स होते हैं इनके पास uh, अच्छी क्वालिटी की मशीनीस नहीं होती हैं इक्वमेंट्स नहीं होते हैं फिशिंग के ठीक है नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पीपल लिविंग नीयर द फॉरेस्ट दे ऑफ एंड कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक लाख हनी वुड बहुत सारी चीज़ें होती हैं दे कलेक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड द सेल टू द सेल इन द मार्केट ओके स्पेशली इन दीप इन द मध्य प्रदेश एंड द महाराष्ट्र पीपल कलेक्ट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड स्पेशली द तेंदू लीवस द लीव्स ऑफ द तेंदू ट्री जो कि आपने देखा होगा जो हमारा कंट्री सिगरेट है उसको बनाने में यूज होता है ठीक है सो

राजस्थान मेनली यहाँ के लोग और ईस्टर्न इंडिया जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन या एडिशनल स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन है एनिमल हस्बेंड्री ओके और जम्मू कश्मीर की एक ट्राइब है जो कि माउंटेनियस रीजन में रहती है और आ, जिनको गुज्जरस और बकरवाल्स कहा जाता है दे यूज टू हैव एनिमल हजबेंड्री एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ओके पोल्ट्री फार्मिंग इट्स एन अनदर सोर्स ऑफ लिवलीहुड क्राफ्ट्स एंड ट्रेड क्राफ्ट एंड ट्रेड मेनी विलेज पीपल्स आर इंगेज इन द क्राफ्ट सो इट रिक्वायर अ स्पेशल स्पेशल स्किल स्पेशल स्किल लाइक बास्केट मेकिंग पॉट मेकिंग कॉपेट मेकिंग वीविंग ये स्पेशल एक्टिविटीज हैं और समटाइम्स पीपल ऑल्सो प्रेफर द वर्क ऑफ टेलर कॉबलर बार्बर बाइस्किल मर्चेंट स्मिथ्स uh, ये सारे ऑक्यूपेशंस भी एडिशनल होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो देयर इन द रूरल एरियाज अब ऐसा नहीं है कि गाँव में रहने वाले पर्सन जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं होते दे आर एम्प्लॉयड इन द गवर्नमेंट सेक्टर्स टू ओके एंड द मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस आर नॉट द पर्टिकुलर पीपल ऑफ़ द विलेजेस ठीक है अब गवर्नमेंट जो भी जॉब्स होती हैं लाइक यू नो गाँव में भी बैंक्स होती हैं पोस्ट ऑफिस होते हैं स्कूल्स होते हैं और हॉस्पिटल्स होते हैं इन मेनी विलेज सो द पीपल हु आर वर्किंग देयर दे आर द गमेंट दे आर द गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट गवर्नमेंट पर्सन ठीक है वो हमको सर्विसेज देते हैं बट दीज आर फैसिलिटीज द पर्सन हु इज़ प्रोवाइडिंग जरूरी नहीं कि वो गांव के ही रहने वाले हो और ज़रूरी नहीं कि शहर के ही रहने वाले दोनों ही हो सकते हैं ठीक है अनदर थिंग ऑल्सो पीपल ऑल्सो हैव सम एन जी ओज एन जी ओज मीन होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट से फ्री होते हैं एंड दीज आर ऑर्गेनाइज टू दीपल हु आर सफरिंग फ्राम एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स ठीक है उस टाइम पर यह एन जी ओज वर्क करते हैं ठीक है वुमन्स ऑल्सो इन द रूरल रूरल एरियाज दे ऑल्सो हैव देअर मीन्स ऑफ लेवलीहुड समटाइम्स वुमेन यूज टू वर्क एज अ हाउस होल्ड मतलब हाउस होल्ड वर्क करती हैं समटाइम्स दे यूज़ टू कलेक्ट वोट्स फ्राम द फॉरेस्ट द सेल एंड फ़िशिंग ओल्सो मीन फ़िशिंग क्या मतलब फ़िश को मार्केट में आके सेल करती हैं दे ऑल्सो वर्क इन द फील्ड्स